subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम सभी कि हर तरह के मूत्र विकार को दूर करने के लिए कैसे शिलाजीत का उपयोग करेंगे, कितनी मात्रा में उपयोग करेंगे और कब कब उपयोग करेंगे तो फायदेमंद है। सबसे पहले तो शिलाजीत के बारे में जान लीजिए कि आपके आसपास आसानी से मिल जाएगी औषधि। वैसे तो इसका नाम आप सुने होंगे अन्य कई बीमारियों के इलाज में, लेकिन आज हम सभी मूत्र संबंधित विकारों को दूर करने के बारे में जानेंगे। ये आपको हिमालय पर्वत से आसानी से मिलती है और ये कमाल की औषधि है जो कि कई सौ सालों के बाद पौधों से ये उत्पन्न होकर के शिला पर यानी कि पर्वतों पर मिल जाती है और शिलाजीत इसीलिए कहा जाता है, यानी कि शिला मतलब पर्वत पर भी विजय प्राप्त करने वाली ये औषधि है। कमाल की औषधि है, बहुत सारे गुण और फायदे हैं इसके, लेकिन जानते हैं कैसे काम करेगी और कितनी मात्रा में लेना है आपको मूत्र विकार को दूर करने के लिए। शिलाजीत गुर्दे और मूत्राशय को स्वस्थ रखता है। यह मूत्र में जलन और पथरी से छुटकारा दिलाता है। गुर्दे की कार्य क्षमता को बढ़ाकर कई सारी परेशानियों को भी कम कर देता है। इसके साथ ही यह मूत्राशय को स्वस्थ रखने में मदद करती है, इसीलिए इसका सेवन काफी लाभकारी है। इसका सेवन कैसे करना है? आपको चाहिए होगा इसके लिए 1 लीटर पानी और उसके साथ साथ चाहिए होगा आपको 1 मटर के दाने के बराबर हर रोज शिलाजीत। उससे कम भी ले सकते हैं, आधे मटर के दाने के बराबर भी ले सकते हैं। करना क्या है, 1 लीटर पानी में इसको घोल देना है आपको और पूरे दिन में 24 घंटे में धीरे धीरे पीना है। कम से कम 3 से 4 बार में तो पीजिए ही। ध्यान रखें 1 या 2 बार में इसको फिनिश नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। कमाल की औषधि है ये। इसके पूर्णतः लाभों के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी बीमारी में किस मात्रा में इस्तेमाल करना है, कहां कहां मिलती है ये और क्या इसके गुण हैं और कौन कौन से इसके दोष हैं, यानी कि कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी बीमारी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 100% इसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो इसी चैनल पर उपलब्ध 15 मिनट का एक एपिसोड है शिलाजीत के संबंध में, जो कि हम प्लेलिस्ट में आप सभी के लिए जोड़ दे रहे हैं। शिलाजीत वाले प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि छोटे छोटे वीडियो भी हैं और एक बड़ा वीडियो होगा जिसमें कि सभी बीमारियों को दूर करने के संबंध में एक साथ बताया होगा और इसकी प्रकृति कहाँ से मिलती है, इसके गुण धर्म क्या हैं, सब कुछ के बारे में बताया हुआ है। तो इसको उपयोग करने से पहले इसके बारे में पूर्णतः जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए पूरा एपिसोड एक बार जरूर देख लें। हम रिकमेंड करेंगे, हाईली रिकमेंड करेंगे आप सभी के लिए कि एक बार शिलाजीत को उपयोग करने से पहले पूरा एपिसोड वो जरूर देख लें, क्योंकि आपके लिए कमाल की जानकारी मिलेगी उसमें और पूरे जीवन वो काम आएगी। एक बार आपका 10 से 15 मिनट लगेगा लेकिन आपके पूरे जीवन काम आएगा, इसीलिए उस एपिसोड को देखने के बाद उपयोग करें, आपके लिए कमाल की औषधि होगी, 100% लाभ प्राप्त होगा। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।